फिर पूछना था कि कई बार हमें किसानों से ये जानकारी मिलती है कि जो FMD वाला जानवर है उसे जंगल में छोड़ने से मतलब वो जल्दी ठीक होता है। उसका एक कारण ये होता है कि उसके पैरों में मिट्टी लग जाए या रेती लग जाए, ये कारण तो क्या है? सही है? ये कारण ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है, कभी कभी कोई जानवर अच्छा जिसकी रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी है, क्षमता अच्छी है, वो क्या होता है कि उसको प्रारंभिक थोड़े से लक्षण दिख के वो अपने आप सही हो जाता है। उसका मुंह भी नहीं फूटता, ठीक है, पैर में भी छाले नहीं होते, और वो एक दो दिन बीमार रह के सही हो जाता है, ऐसा भी होता है। और अगर वो समझ लो चाटता रहा, कभी मक्खी को बैठने नहीं दिया उसने घाव पर, या मालिक इतना मतलब ध्यान दिया मालिक ने कि उसके पैर में बार बार मतलब घाव हो रहे हैं तो मक्खी नहीं बजा करके उसने मलहम लगाया है, कुछ करा है, तो फिर वो ठीक हो जाना है, मतलब ठीक होता ही है फिर वो, ठीक है। बाकी हाँ ऐसा है कि अगर वो इलाज बिल्कुल नहीं कराए, बिल्कुल कुछ मलहम पर दवाई कुछ भी नहीं करे और सोचे कि ऐसी जंगल में ले जाए तो वो सही हो जाए, तो उसी परिस्थिति में हो सकता है जब उस रोग से लड़ने की उस जानवर की शक्ति अच्छी हो, अन्यथा वो तो मतलब बीमार तो हो ही गई, वो अपने आप तो सही नहीं हो पाएगा ऐसा। इसका बचाव एकमात्र टीकाकरण के द्वारा ही इस बीमारी से बचा जा सकता है, और जब ये आती है बीमारी तो बहुत तेज़ी से फैलती है और पूरे के पूरे गांव में हो जाती है, किसी किसी के घर के पूरे जानवर बीमार पड़ते हैं इससे। और इसमें क्या होता है कि एक जानवर के इलाज में कम से कम नहीं तो भी तुमको 100-150 रुपया 200 रुपया तक खर्चा हो सकता है, तो और टीका की कीमत मुश्किल से 15-20 रुपया होती है, तो 15-20 रुपया खर्चा करके अपना जानवर सुरक्षित रहता है, नहीं तो 100-150 रुपये देने के बाद में भी अपने को दूसरे नुकसान बहुत होते हैं। तो ये चीज़ को समझते हुए टीकाकरण सभी को करना है। इको पाँव को भी कोई उपचार होएगा? सब हो जाएगा उससे।